हेलो स्टूडेंट, एज यूजुअल आई एम सज्जाद खान फ्रॉम टैगोर स्कूल परबत्सर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबत्सर से सज्जाद खान हूँ। आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड दिस फर्स्ट चैप्टर अप टू हियर। हमने अपने पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर को यहाँ तक है वो कंप्लीट किया था, पेज नंबर 10 जो है अपना फर्स्ट चैप्टर में, पेज नंबर 10 पर। एंड आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्दर पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। और आज हम जो अपने फर्स्ट चैप्टर है उसका, उसके आगे का जो पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे के पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट अपने द रूल ऑफ जीरो यानी सुनने की भूमिका। तो सुनने की क्या भूमिका है, जीरो की क्या वैल्यू है, वो हमें यहाँ पर देखेंगे। लुक एट द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए या निम्नलिखित को देखिए। देखिए फर्स्ट देखिए 2 + 0 = 0 + 2 = 2, यानी 2 में 0 ऐड करें या 0 में 2 ऐड करें, नंबर ही हमें फाइंड होगा, हमें ऑब्टेन होगा। यानी अगर किसी भी नंबर को 0 में ऐड करें या 0 में कोई भी नंबर ऐड किया जाए तो यहाँ पर वो नंबर ही हमें फाइंड होता है, ऑब्टेन होता है। यानी एडिशन ऑफ जीरो टू ए व्होल नंबर, यानी कि शून्य को पूर्ण संख्या में जोड़ना। पूर्ण संख्या हम जानते हैं क्या होती है, व्होल नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं और जो है इन्फिनाइट यानी अनंत तक चलते हैं, वो नंबर्स जो है व्होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है अपने -5 + 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि -5 में अगर 0 ऐड करें तो यहाँ पर हमें ऑब्टेन होगा -5। अब पहले ही बताया था 0 में कोई भी नंबर ऐड करें या किसी नंबर में 0 ऐड करें तो वही नंबर ऑब्टेन होता है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर -5 ऑब्टेन हो रहा है, यानी कि -5 में हम 0 ऐड करें तो -5 ही ऑब्टेन होगा। तो हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ 0 टू एन इंटेजर्स, के शून्य को पूर्णांक में जोड़ना। तो शून्य को पूर्णांक में जोड़ना यानी पूर्णांक यानी इंटेजर्स, इंटेजर्स में हमने ऐड किया, यानी इंटेजर्स टू टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटेजर एंड पॉजिटिव इंटेजर्स। नेक्स्ट है अपने -2/7 = 0। तो 0 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2/7 में 0 ऐड करें या 0 में -2/7 ऐड करें, ऑप्टेन -2/7 ही होगा, यानी वह नंबर ही ऑप्टेन होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले व्होल नंबर में जो है 0 ऐड करके देखा तो व्होल नंबर ही ऑप्टेन हुआ, फिर हमने इंटेजर्स में 0 ऐड करके देखा तो इंटेजर्स ही फाइंड ऑप्टेन हुआ, और फिर हमने 0 में रेशनल नंबर ऐड की तो हमें रेशनल नंबर ही ऑप्टेन हुआ। तो ये शून्य को परिमेय संख्या में जोड़ना, तो हमने 3 टाइप पढ़े हैं, पे व्होल नंबर में 0 जोड़ना, इंटेजर्स में 0 ऐड करना एंड रेशनल नंबर में 0 ऐड करना, यानी किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर हमें ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है अपने इसी में आगे, नेक्स्ट है यू हैव डन सच एडिशन अर्लियर, आल्सो डू ए फ्यू मोर सच एडिशंस। आप पहले भी इस प्रकार के योग याद कर चुके हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऐसे कुछ और योग याद कीजिए। यू विल फाइंड दैट व्हेन यू ऐड 0 टू ए व्होल नंबर्स द सम इज अगेन द व्होल नंबर। आप पाएंगे कि जब किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योग फिर से पूर्ण संख्या ही होती है। दिस हैपन्स फॉर इंटेजर्स एंड रेशनल नंबर आल्सो, ये तथ्य पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है इन जनरल, यानी व्यापक रूप से या सामान्य रूप से हम कह सकते हैं। देखिए a + 0, a यानी a कोई भी यहाँ पर नंबर्स हो सकता है, व्होल नंबर्स हो सकता है, यहाँ पर या जो है a में 0 ऐड करें या 0 में a ऐड करें, यानी कोई भी नंबर में 0 ऐड करें या 0 में नंबर ऐड करें तो वो नंबर ही हमें जो व्होल नंबर है वही ऑप्टेन होता है। इसी तरह b + 0 या 0 + b, यानी कोई भी नंबर में 0 ऐड करें या 0 में कोई नंबर ऐड करें, इंटेजर्स ऐड करते हैं तो हमें ऑप्टेन वो इंटेजर्स ही होता है। इसी प्रकार जो है रेशनल नंबर का हमने अभी अपने देखा है, जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटेजर एंड व्होल नंबर एज वेल। तो यहाँ पर जो अपने
जीरो है, यानी परिमेय संख्याओं के लिए हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं के योग के लिए जो शून्य है वो यहाँ पर जो तस्मक, एक तस्मक कहलाता है। तस्मक एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स होता है तस्मक, जैसे तस्मक होता है। ये पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तस्मक है, तो यहाँ आइडेंटिटी मीन्स होता है तस्मक और एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स होता है योज्य तस्मक। तो ये योज्य तस्मक है, यानी जीरो को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो नंबर ही ऑप्टेन होता है, इसलिए इसे हम जीरो को हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट अपने द रूल ऑफ वन, यानी वन का जो रूल है, नियम है, तो वन का जो रूल है वो हम फाइंड करेंगे, रीड करेंगे। तो वन का रूल वी हैव कि हम पाते हैं या प्राप्त करते हैं, कि हम प्राप्त करते हैं। या नेक्स्ट है देखो, वन यानी किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करें या वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमें फाइंड क्या होता है वह नंबर ही, यानी फाइव पंजा फाइव, फाइव पंजा फाइव ही ऑप्टेन हो रहा है। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन विथ ए होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या के साथ एक का गुणा करना, तो पूर्ण संख्या के साथ एक का गुणा करना वो यहाँ पर दिया गया है अपने। नेक्स्ट इसी तरह देखिए, रेशनल नंबर है अपने पास माइनस टू बाई सेवन मल्टीप्लाई वन, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन, यहाँ पे मल्टीप्लाई है कि इसको मल्टीप्लाई करिए, हम कह सकते हैं वन मल्टीप्लाई माइनस टू बाई सेवन, यानी माइनस टू बाई सेवन को वन से मल्टीप्लाई करें या वन को माइनस टू बाई सेवन से मल्टीप्लाई करें, तो अपने ओपिनियन क्या होगा माइनस टू बाई सेवन ओपिनियन होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, फिर रेशनल नंबर है थ्री बाई एट एंड यहाँ पर वन है और एट थ्री बाई एट, यानी थ्री बाई एट को वन से मल्टीप्लाई करें या वन को थ्री बाई एट से मल्टीप्लाई करें, ऑप्टेन क्या होगा रेशनल नंबर ही हमें ऑप्टेन होगा। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या पाते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता तो वह नंबर ही ऑप्टेन होता है। यू विल फाइंड दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई एंड रेशनल नंबर विथ वन यू गेट बैक द सेम रेशनल नंबर एज द प्रोडक्ट। आप पाएंगे कि जब आप किसी भी परिमेय संख्या के साथ एक से गुणा करते हैं तो आप उसी परिमेय संख्या गुणनफल के रूप में पाते हैं। चेक दिस फॉर ए फ्यू मोर रेशनल नंबर, कुछ और परिमेय संख्या वाली इसकी जांच कीजिए, हम कर सकते हैं और भी रेशनल नंबर लेके। यू विल फाइंड दैट ए मल्टीप्लाई वन एवन वन मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए फॉर एनी रेशनल नंबर। तो आप पाएंगे कि किसी भी परिमेय संख्या के लिए ए कोई भी परिमेय संख्या, मान लो ए कोई परिमेय संख्या, तो उसके लिए ए मल्टीप्लाई वन या वन मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए, यानी वो नंबर रेशनल नंबर ही हम प्राप्त करते हैं फॉर एनी रेशनल नंबर, यानी कोई भी परिमेय संख्या के लिए। वी से दैट वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, तो हम कह सकते हैं कि एक है वो परिमेय संख्या और एक गुणात्मक तस्मक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स होता है गुणात्मक तस्मक फॉर इंटेजर्स, यानी पूर्णांकों के लिए, यानी इंटेजर्स पूर्णांकों के लिए, फॉर होल नंबर्स और पूर्ण संख्याओं के लिए। एक पूर्णांक और पूर्ण संख्या के लिए भी गुणात्मक तस्मक होता है रेशनल नंबर के अलावा भी। तो वन क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटेजर्स एंड होल नंबर एंड रेशनल नंबर, तीनों के लिए, रेशनल नंबर के लिए भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इंटेजर्स के लिए भी और अपने होल नंबर्स के लिए भी है। फिर आगे है नेक्स्ट, थिंक डिस्कस एंड राइट, सोचिए, थिंक यानी सोचना, डिस्कस यानी चर्चा कीजिए, एंड राइट यानी लिखिए। If a property hold for rational number, will it also hold for integers? यदि कोई गुणधर्म परिमेय संख्या के लिए सत्य है तो क्या वह गुणधर्म इंटेजर्स यानी पूर्णांकों फॉर होल नंबर यानी होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं के लिए भी जो है सत्य होगा? Which will कौन से गुणधर्म के लिए कह सकते हैं which will not और किसके लिए नहीं होगा, या कौन से गुणधर्म के लिए सत्य होंगे और कौन से के लिए सत्य नहीं होगा? अगर कोई रेशनल नंबर के लिए, तो हमने अभी तक जो भी टॉपिक रीड किए हैं कि रेशनल नंबर के लिए अगर कोई प्रॉपर्टीज है गुणधर्म अगर कोई भी लागू होता है रेशनल नंबर के लिए तो वो इंटेजर्स के लिए भी लागू होता है, तो इंटेजर्स के लिए भी लागू होता है, चाहे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो रीड की है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज या क्लोजर प्रॉपर्टीज रीड की है, तो हमने देखा कि जो रेशनल नंबर में जो यूज हो रही है प्रॉपर्टी वो होल नंबर और नेचुरल नंबर में भी यूज होती है। तो रेशनल नंबर में जो यूज होने वाली प्रॉपर्टी है वो इंटेजर्स होल नंबर एंड जो है अपने इसके
इसके अंदर भी होल नंबर इंटीजर्स में भी यूज होती है। तो ये हमने पहले भी रीड कर चुके हैं अपने। फिर है नेक्स्ट है के आगे नेक्स्ट है अपने नेगेटिव एंड ऑफ ए नंबर। नेगेटिव ऑफ ए नंबर यानी कि नेगेटिव ऑफ ए नंबर मीन्स है एक संख्या का ऋणात्मक। नेगेटिव ऑफ ए नंबर यानी एक संख्या का ऋणात्मक क्या होता है? तो ऋणात्मक हम जानते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका ऋणात्मक होता है नेगेटिव नंबर। वेल स्टडिंग इंटेजर्स यू हैव कम अक्रॉस नेगेटिव ऑफ इंटेजर्स। पूर्णांकों का अध्ययन करते समय अपने पूर्णांकों के ऋणात्मक पाए हैं। व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ वन? क्या एक का ऋणात्मक क्या है? इट इज माइनस वन, बिकॉज प्लस वन एंड माइनस वन दोनों को ऐड करते हैं या तो अपने पास फाइंड होता है माइनस माइनस, यानी ये जो साइन है वो चेंज होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाए, वन में से वन और जीरो हमें ऑप्टेन हो रहा है। इसलिए जो प्लस वन है उसका जो नेगेटिव नंबर्स होगा, नेगेटिव जो है प्लस वन का वो माइनस वन होगा, क्योंकि दोनों को जो है ऐड करने पर जो अपने पास जीरो ऑप्टेन होना चाहिए। सो व्हाट विल बी द नेगेटिव ऑफ माइनस वन? इट विल बी वन। तो हम कह सकते हैं कि अतः माइनस एक का ऋणात्मक क्या होगा? तो ये प्लस एक होगा। प्लस एक का जो है नेगेटिव जो नंबर है वो माइनस वन और माइनस वन का प्लस वन होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट अपने आगे आल्सो टू प्लस माइनस टू इक्वल टू माइनस टू प्लस टू जीरो होगा, क्योंकि देखो प्लस टू का जो नेगेटिव नंबर है माइनस टू होगा दोनों को ऐड करने पर। तो दोनों को ऐड करने पर ये होगा प्लस माइनस, माइनस का हो जाए टू में से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास ऑप्टेन होंगे जीरो। ये हमने पहले भी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है हमने इंटीजर्स की अपने प्रीवियस वीडियो में भी की है। सो वी से टू इज द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस टू एंड वाइस वर्सा। तो हमें कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त जो नंबर है टू प्लस माइनस टू इक्वल टू माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कहते हैं कि जो माइनस टू का ऋणात्मक अथवा योज्य प्रतिलोम है वो प्लस टू होता है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मीन्स होता है योज्य प्रतिलोम, यानी प्लस की संख्या का माइनस और माइनस की का प्लस, और दोनों को ऐड करने पर हमारे पास जीरो ऑप्टेन होना चाहिए। जैसे एडिटिव इनवर्स के लिए आगे अपने क्वेश्चन भी आएंगे, तो एडिटिव इनवर्स के लिए हम कह सकते हैं जैसे एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ पर जैसे माइनस टू, तो माइनस टू का एडिटिव इनवर्स होगा अपने प्लस टू। क्यों? क्योंकि माइनस टू का एडिटिव इनवर्स प्लस टू का, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर जीरो फाइंड होना चाहिए। तो देखिए प्लस माइनस माइनस यानी अनइक्वल साइन, तो सब्ट्रैक्ट होगा टू में से टू, जीरो ऑप्टेन हो रहा, तो जीरो ऑप्टेन होना चाहिए। जिस नंबर का एडिटिव इनवर्स ले रहे हैं और जो नंबर है उन दोनों को ऐड करने पर जीरो फाइंड होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। नेक्स्ट अपने इसी तरह फॉर एन इंटीजर ए वी हैव ए प्लस वी माइनस इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि एक प्लस की संख्या का एडिटिव इनवर्स माइनस वन होता है और दोनों को ऐड करने पर जीरो ऑप्टेन होता है। सो ए इज द नेगेटिव ऑफ माइनस ए एंड माइनस ए इज द नेगेटिव ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि माइनस ए का ऋणात्मक प्लस ए है और एक का ऋणात्मक माइनस ए है। फॉर द रेशनल नंबर 2/7 वी हैव, किसी प्रकार किसी परिमेय संख्या 2/3 के लिए हम पाते हैं। देखिए 2/3, तो यहाँ पर हमें यहाँ लिख सकते हैं, अपन कह सकते हैं इसको भी कि यहाँ पे जो नंबर्स है अपना, सेकंड एग्जांपल के तौर पे हम 2/3, तो 2/3 का जो एडिटिव इनवर्स है, 2/3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो अपने पास होगा -2/3, क्योंकि प्लस की जो नंबर्स है रेशनल नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स माइनस का होगा, तो ये माइनस, और दोनों को ऐड करने पर देखिए 2/3 एंड दोनों को ऐड किया प्लस, ये नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लेना 2/3, दोनों को ऐड करने पर जीरो ऑप्टेन होना चाहिए। 2/3 एंड प्लस माइनस माइनस 2/3। अब यहाँ पर देखिए कोई भी मेथड यूज करने की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेनोमिनेटर इक्वल है और जब डेनोमिनेटर इक्वल हो तो उसे वन टाइम लिखा जाता है।
तो टू में से टू रेशन जो नंबरेटर है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, टू में से टू जीरो ऑप्टेन हो अपॉन थ्री। और हमें पता है कि जीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमें जीरो ऑप्टेन होता है, तो जीरो को थ्री से डिवाइड करेंगे तो जीरो ऑप्टेन होगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एडिटिव इन्वर्स है जो है प्लस टू बाय थ्री का माइनस टू बाय थ्री होगा, दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर जीरो ऑप्टेन होगा, जीरो प्राप्त होगा। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट है आल्सो, आल्सो यानी इसके अतिरिक्त, देखिए दोनों को ऐड करने पर जीरो, हाउ कैसे वो हमने अभी समझाया आपको कि कैसे फाइंड हो रहा है। इसी प्रकार देखिए माइनस एट अपॉन नाइन, इसमें जो हम इसका जो एडिटिव इन्वर्स अगर ऐड किया करते हैं तो माइनस एट अपॉन नाइन का एडिटिव इन्वर्स होता है एट अपॉन नाइन प्लस के, और दोनों को करेंगे प्लस माइनस माइनस, और इसी तरह माइनस एट अपॉन नाइन का एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे एट अपॉन नाइन ऐड कर सकते हैं, ऐड करने पे यहाँ पे जीरो फाइंड होगा। इसी प्रकार माइनस इलेवन बाई सेवन का होगा प्लस इलेवन बाई सेवन, या माइनस इलेवन बाई सेवन का होगा प्लस इलेवन बाई सेवन, और इनको सोल्व करने पर यहाँ पर इनका जो है ऑप्टेन होगा वो जीरो ऑप्टेन होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। इन जनरली फॉर ए रेशनल नंबर ए अपॉन ए बाई बी, वी हैव ए बाई बी प्लस माइनस ए बाई बी इक्वल टू माइनस ए बाई बी प्लस ए बाई बी इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं व्यापक रूप से किसी भी परिमेय संख्या ए अपॉन बी व के लिए ए अपॉन बी प्लस माइनस ए अपॉन बी और या माइनस ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी बराबर जीरो प्राप्त होता है। वी से दैट माइनस ए अपॉन बी इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए अपॉन बी, पॉजिटिव जो पॉजिटिव माइनस के अपॉन बी है वो उसका एडिटिव इन्वर्स प्लस के अपॉन बी होगा, और अगर प्लस का है ए अपॉन बी प्लस का है तो उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस का अपॉन बी होगा, तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स। तो इसको चेक कैसे करेंगे, दोनों को एड करने पर हमें जीरो ऑब्टेन होना चाहिए। फिर है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मीन्स व्युतक्रम, व्युतक्रम कह सकते हैं, रेसिप्रोकल मीन्स होता है व्युतक्रम। तो ये बाय विच रेशनल नंबर वुल यू मल्टीप्लाई एट अपॉन 21 टू गेट द प्रोडक्ट वन, यानी कि ये कह रहा है अपने को यहाँ पर कि आप 8 बटा 21 यानी 8 अपॉन 21 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें ताकि एक प्राप्त हो जाए, गुणनफल हमें एक प्राप्त हो जाए। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं ऑब्जर्वली बाय 21 अपॉन 8 सिंस 8 अपॉन 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 8 इक्वल टू 1। हम ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि 21 बटा 8 एंड 21 अपॉन 8 को हम अगर 8 अपॉन जो है 8 अपॉन 21 से मल्टीप्लाएंगे तो 1 ऑप्टेन होगा, क्योंकि देखिए 21 से 21 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ऑप्टेन होगा। सिमिलरली माइनस 5 अपॉन 7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7 बाई माइनस 5 सो एज टू गेट द प्रोजेक्ट 1। हम कह सकते हैं इसी प्रकार कि माइनस 5 अपॉन 7 को अगर हम 7 बाई माइनस 5 से गुणा करना चाहें ताकि गुणनफल एक प्राप्त हो सके, तो देखो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 5 से माइनस 5 और जो है 1 हमें गुणनफल प्राप्त होगा। वी से दैट 21 अपॉन 8 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 8 अपॉन 21, ये इसका रेसिप्रोकल, यानी जब कोई भी टू नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और उसका प्रोडक्ट 1 ऑप्टेन हो रहा है, यानी कोई भी नंबर्स है जैसे 21 अपॉन 8 है, अगर 21 अपॉन 8 को हम 8 अपॉन 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 1 ऑप्टेन हो रहा है उनका प्रोडक्ट, तो हम ये कह सकते हैं 21 अपॉन 8 का जो अपने रेसिप्रोकल जो करने पर जो गुणात्मक जो प्रतिलोम है हम कह सकते हैं वो 8 अपॉन 21 होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट है वो हमें 1 फाइंड हो रहा है तो रेसिप्रोकल करने पर। एंड कैन यू से व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0, क्या आप बता सकते हैं कि शून्य का रेसिप्रोकल क्या है जीरो का। इज देयर ए रेशनल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 0 गिव्स, तो क्या ऐसी कोई परिमेय संख्या जो शून्य से गुणा करने पर एक प्राप्त हो। तो हमने ये पहले भी रीड कर चुके हैं, शून्य को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो है वो नंबर्स ऑप्टेन होता है, सॉरी शून्य ही ऑप्टेन होता है, द जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। तो हम कह सकते हैं कि जो शून्य है
शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, क्योंकि शून्य को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो कभी भी प्रोडक्ट वन ऑप्टेन नहीं होता है। जीरो को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर ऑप्टेन होता है। इसलिए जो जीरो है वो किसी का रेसिप्रोकल नहीं होता। वी से दैट ए रेशनल नंबर सी बाई डी इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अनदर नॉन जीरो रेशनल नंबर ए अपॉन बी इफ ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी इक्वल टू वन। तो हम कहते हैं कि एक परिमेय संख्या जो सी अपॉन डी और दूसरी शून्यतर संख्या जो है अपने पास यहाँ पर ए अपॉन बी का व्युत्क्रम तथा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। यदि a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी बराबर वन ऑप्टेन हो रहा है तो ये इसका रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं हम, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं, यानी गुणात्मक प्रतिलोम हम कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। तो ये जो पॉइंट है अपना के वितरकता का है, अपने डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो है यानी वितरकता या वितरण कह सकते हैं, वितरकता ऑफ मल्टीप्लेक्शन आवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। ये जो पॉइंट है वो क्या है उसके बारे में रीड करते हैं। जो टू अंडरस्टैंड दिस कंसिडर द रेशनल नंबर, इस तथ्य को समझने के लिए परिमेय संख्या है, देखिए यहाँ पर थ्री परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। फर्स्ट रेशनल नंबर माइनस थ्री अपॉन फोर, सेकेंड है टू बाई थ्री एंड थर्ड है माइनस फाइव बाई सिक्स। थ्री रेशनल नंबर हमें फाइंड किया हुआ है तो इसको हमें समझने के लिए इसका भी रूल है। जिस प्रकार हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को हमने सोल्व किया तो उसी प्रकार इसका भी पॉइंट का हम सोल्यूशन समझते हैं कि क्या होता है, इसका नियम क्या है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं जो रूल है अपना, इसके लिए ये कह सकते हैं मल्टीप्लाई है माइनस थ्री बाई फोर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर टू बाई थ्री एंड थर्ड नंबर है माइनस फाइव बाई सिक्स। तो इसके लिए जो रूल है अपना वो देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं अपन, जो फर्स्ट नंबर है माइनस थ्री बाई फोर उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड और थर्ड नंबर को ऐड करके, जो भी सम जो ऑप्टेन हो रहा है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको। सो माइनस थ्री बाई फोर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर सोल्व करते हैं टू बाई थ्री प्लस माइनस माइनस फाइव बाई सिक्स, माइनस फाइव बाई सिक्स सोल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस थ्री बाई फोर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन क्रॉस मल्टीपल मेथड से करेंगे, टू सिक्सा या हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, सॉरी कैंसिल नहीं कर सकते, ऊपर नीचे कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन में। फिर टू सिक्सा ट्वेल्व एंड थ्री फाइव जा फिफ्टीन अपॉन थ्री सिक्सा एटीन, तो इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट है सोल्व करेंगे आगे, माइनस थ्री बाई फोर मल्टीप्लाई, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ रिमेनिंग रहेंगे अपने पास 3 और वो भी माइनस के अपॉन 18। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि अब अपने पास यहाँ मल्टीप्लाई में हम दाएं बाएं ऊपर नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं वन नंबर को। सो थ्री सिक्स जा एटीन, यानी वन टाइम माइनस का थ्री वन जा थ्री, थ्री सिक्स जा 18, अभी भी देखो कैंसिल हो रहा है माइनस वन, थ्री वन जा थ्री एंड थ्री टू जा सिक्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आगे जो नंबर है कैंसिल करने के बाद, ऊपर वन अपॉन फोर मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नमरेटर को नमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, वन वन जा वन एंड फोर टू जा एट और माइनस माइनस प्लस, तो वन अपॉन एट हमें ऑप्टेन हो रहा है। तो ये इस प्रकार ये सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है इसमें आल्सो यानी इसके अतिरिक्त, देखिए इसके अतिरिक्त भी जो नंबर अपना माइनस थ्री बाई फोर एंड टू बाई थ्री जो नंबर है उसको हमने किया पहले मल्टीप्लाई, तो अपने पास ऑप्टेन माइनस वन अपॉन टू ऑप्टेन हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर
नेक्स्ट दिया हुआ अपने एग्जांपल या ट्राई दिस फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी यानी कि फाइंड करना है अपने को ज्ञात करना है उपयोग करते हुए यूजिंग यानी उपयोग करते हुए यानी कि वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए तो वितरकता के उपयोग से हमें इसका मान ज्ञात अब किस प्रकार करते हैं देखिए ये अब क्वेश्चन आया अपने पास अभी अभी हमने समझा एग्जांपल में अब क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग हम इस जो रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव का वो हम समझते हैं तो देखिए फर्स्ट है इसका फर्स्ट है ट्राई दिस का तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट है 7/5 मल्टीप्लाई -3/12 एंड प्लस 7/5 मल्टीप्लाई 5/12 अब इसको जो रूल है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ध्यान से देखना अपने को देखो ये जो अपने युग्म दे रखा है यानी पेयर दिया हुआ है इधर भी पेयर है इधर भी पेयर तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर भी मल्टीप्लाई बीच में या एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन हो सकता है तो हमें ये देखना कॉमन क्या आ रहा है इधर भी जो है लेफ्ट साइड भी देखो 7/5 मल्टीप्लाई में आ रहा है और राइट साइड भी 7/5 मल्टीप्लाई में आ रहा है जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको वन टाइम लिख लो मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में अब अपने पास जो रिमेनिंग रहा देखिए लेफ्ट साइड में अपने पास 7/5 तो कॉमन आ गया इधर अपने पास रिमेनिंग रहा 3/-12 और जो इनके बिटवीन साइन होता है चाहे नेगेटिव है सब्ट्रैक्ट का है चाहे एडिशन का वो साइन यहाँ पर पुटअप करते हैं फिर यहाँ पर क्या अपने रहा रिमेनिंग क्या रहा 5/12 तो ये हमने राइट करी अब इसको सोल्व करते हैं ये इजी रहता है इस रूल से हम इजी होता है सोल्व करना अब देखिए पहले ये करेंगे हम तो यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीपल मेथड से 12 3 36 माइनस के एंड 12 5 60 एंड 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144 ये सॉरी ब्रैकेट सही लगाना अपने को नेक्स्ट 7/5 मल्टीप्लाई यहाँ सोल्व करेंगे देखिए प्लस माइनस यहाँ सोल्व करने पर 60 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ रिमेनिंग रहेंगे 4 एंड 5 में से 2 वो भी नेगेटिव के 145 यहाँ पर अपने पास रहेंगे अब यहाँ पर सोल्व करेंगे आगे तो 7/5 मल्टीप्लाई अब ये माइनस के तो माइनस के 24/144 यहाँ पर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे ये जो कैंसिल हो रहा है 2 से कैंसिल हो रहा है 12 टाइम नेगेटिव ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है अभी भी देखिए 2 से कैंसिल या 12 से डायरेक्ट 12 से कर सकते हैं 12 1 12 एंड 12 6 तो यहाँ पर अपने पास 1/6 तो 7/5 मल्टीप्लाई माइनस 1/6 अब इसका प्रोडक्ट यानी गुणनफल करेंगे सो नमरेटर को नमरेटर से एंड डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर 7 1 7 एंड 5 6 30 ±-. तो इसकी जो इसका जो सॉल्यूशन अपने पास ऑप्टेन होगा -7/3 तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर अपने पास फर्स्ट के अंदर हमने देखा 7/5 कॉमन आ रहा है इसको बाहर ले लिया हमने फिर बाकी जो रिमेनिंग नंबर है उसको ऐड करना ऐड कर दो ऐड करने के बाद जो भी कॉमन लिया उससे मल्टीप्लाई कर दो सिंगल डिजिट में चेंज होने के बाद इसी प्रकार देखिए इसका सेकंड है तो सेकंड में भी हम देखते हैं यहाँ पे देखिए 9/16 लेफ्ट साइड आ रहा राइट साइड भी 9/16 सेम इसी टाइप से सेकंड वाले को भी सोल्व करना है तो आज का जो होमवर्क है अपना तो आज के होमवर्क में हमें पेज नंबर 13 पे ट्राई दिस जो क्वेश्चन है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो फर्स्ट नंबर लगाकर इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड वो हमें होमवर्क में कंप्लीट करना है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो एग्जांपल थर्ड है उसको सॉल्व करेंगे।